सेकेंड पार्ट ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. यस्टरडे वी रेड अबाउट पॉजिटिव सेंटेंस एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न नेगेटिव सेंटेंस. पॉजिटिव सेंटेंस में जैसे होता है आई ईट, ठीक है, तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए आई डू नॉट यूज बोलेंगे. मैं आई ईट, मैं खाता हूँ. आई ईट, मैं खाता हूँ, तो उसका नेगेटिव हो जाएगा आई डू नॉट ईट. आई डू नॉट ईट, जैसे कि फर्स्ट वीडियो में बताया था. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो उसका नेगेटिव हम जब बनाते हैं तो उसमें डज लगता है एंड डज के बाद नॉट लगता है. डज के बाद नॉट, और जो वर्ब होता है वो उसका एस और एस हट जाता है, उसका एस और एस हट जाता है. जैसे वह खाता है तो वह का क्या होता है, ही ईट्स. वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट. अब वह जाती है तो सी गोज. वह नहीं जाती है, सी डज नॉट गो. राधा स्कूल जाती है, तो राधा सिंगुलर है, तो राधा गोज टू स्कूल. राधा स्कूल नहीं जाती है, राधा डज नॉट गो टू स्कूल. ठीक है, अब प्लूरल की बात करेंगे. प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे जिनसे एक से ज़्यादा का बोध हो उसको प्लूरल कहते हैं. वैसे आई से भी एक ही होता है, लेकिन आई को प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है. आई, यू, वी, दे, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, दीज ऑल आर प्लूरल सब्जेक्ट. तो प्लूरल सब्जेक्ट किसके साथ क्या आता है, प्लूरल वर्ब. प्लूरल सब्जेक्ट किसके साथ क्या आता है, प्लूरल वर्ब. ठीक है, प्लूरल वर्ब आता है. जैसे तुम पढ़ते हो तो यू रीड, तुम जाते हो यू गो. तो जैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डस का यूज़ नहीं करेंगे, डू का करेंगे. किसका करेंगे, डू का. तुम जाते हो तो यू गो, तुम नहीं जाते हो, उसका नेगेटिव हो जाएगा यू डू नॉट गो. तुम पढ़ते हो यू रीड. तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड. वे हंसते हैं दे लाफ. वे नहीं हंसते हैं, दे डू नॉट लाफ. बच्चे स्कूल जाते हैं. चिल्ड्रन गो टू स्कूल. बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल. राधा हंसती है राधा लाफ्स. राधा डज नॉट लाफ. तुम पढ़ते हो यू रीड. तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड. अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने की बात करेंगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, ये जो डू डज होता है वो पहले आता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है. जैसे ही सेंटेंस स्टार्ट होता है उसके स्टार्ट में हम डू या डज लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. आई मीन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू पहला बनाते हैं. जैसे होता है ना, तुम खाते हो यू ईट, तो उसका नेगेटिव क्या बनेगा, तुम नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट. अब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे. इंट्रोगेटिव मीन्स व्हेन वी वांट टू नो समथिंग वी आस्क क्वेश्चन. जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है. वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है. क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम हंसते हो, क्या तुम सोचते हो, क्या वो जाती है, क्या वो हंसती है, क्या वो सोचती है, तो ये सारे क्या है, इंट्रोगेटिव. सारे के सारे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. तुम पढ़ते हो तो यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो तो यहाँ पे यू, क्या डू यू रीड, क्या होगा डू यू रीड. क्या तुम जाते हो, डू यू गो. क्या तुम हंसते हो, डू यू लाफ. क्या वे रोते हैं, डू दे क्राई. क्या वे चिल्लाते हैं, डू दे साउट. राधा गाना गाती है, राधा सिंग्स सॉन्ग. क्या राधा गाना गाती है, डज राधा सिंग ए सॉन्ग.